नमस्कार दोस्तों, अगर आपके जीवन को परेशानियों ने घेर रखा है, आपकी तकलीफें कम होने का नाम नहीं ले रही है, आपको लगता है जैसे कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई है, तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में लौंग से जुड़े कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको चुपचाप भगवान शंकर को ध्यान में रखते हुए करना है। इससे आपकी हर परेशानी हल हो जाएगी। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। सोमवार के दिन भोलेनाथ के भक्तों के लिए बहुत खास होता है। वैसे तो शिव जी भोले भंडारी हैं, जो कि एक लोटा जल और बिल पत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर आप कुछ उपायों को कर लेते हैं तो आपकी मन्नतें पूरी होने लगती हैं। जैसे कि कभी कभी अचानक आपके साथ बुरा होने लगता है, ऑफिस में विवाद होने लगते हैं, कारोबार में मंदी आ जाती है, आपके कष्ट बढ़ गए हो, तो ऐसे में किसी भी सोमवार के दिन आप दो लौंग लेकर शिवालय जाएं और साथ में एक लोटा जल भी लेकर जाएं। ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करते हुए एक लोटा जल को शिवलिंग पर अर्पित करें और उसके बाद आप दो लौंग शिवलिंग पर चढ़ा दें। उसके बाद आप वहां एक घी का दिया जला दें। आप चाहे तो सरसों के तेल का भी दिया जला सकते हैं, और जो भी दिया जलाए आप उसमें भी एक लौंग डाल दें। लौंग वाला दिया मन्नत का दिया होता है, और जब आपकी कोई मन्नत होती है, विश होती है, तो उसे पूरी करने के लिए आप दिए में लौंग जरूर डालें और फिर वो दिया जला दें। इससे आपका हर कष्ट दूर हो जाएगा और यकीन मानिए जल्दी ही आपके जीवन से हर परेशानी दूर हो जाएगी और साथ ही आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। रुके हुए कार्यों की सिद्धि के लिए ये प्रयोग बहुत ही लाभदायक है। हर महीने में आने वाली गणेश चतुर्थी को गणेश जी का ऐसा चित्र घर या दुकान पर लगाएं जिसमें उनकी सूंड दाई और मुड़ी हुई हो। इसके आगे लौंग तथा सुपारी रखें और इसकी आराधना करें। जब भी कहीं काम पर जाना हो तो एक लौंग और सुपारी को हाथ में लेकर जय गणेश काटो कलेश बोलकर लौंग और सुपारी को साथ लेकर जाए, काम सिद्ध होगा। लौंग को मुंह में रख ले और सुपारी को वापस लाकर गणेश जी के आगे रख दे। अगला उपाय है धन लाभ के लिए। कच्चे धानी के तेल के दीपक में लौंग डालकर हर मंगलवार हनुमान जी की आरती करें। इससे आपको धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। ऐसा लगातार 21 मंगलवार करें, इसका आपको फायदा अवश्य मिलेगा।